खबर सीकर के खाटू श्याम जी से है। डीजीपी उमेश मिश्रा और मुख्य सचिव उषा शर्मा पहुंचे खाटू धाम, बाबा श्याम के दरबार में दर्शन कर पूजा अर्चना की और राजस्थान की शांतिपूर्ण व्यवस्था चले इस तरीके की मनोकामना की गई। राजस्थान में शांतिपूर्ण मतदान होने पर हाजिरी लगाई गई है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। तो मुख्य सचिव उषा शर्मा और डीजीपी उमेश मिश्रा पहुंचे खाटू धाम और पूजा अर्चना की गई। दर्शन व्यवस्था को लेकर कमेटी अध्यक्ष चौहान ने जानकारी भी ली। रिंगस DYSP महावीर सिंह, थानाधिकारी सुभाष चंद्र यादव ने अगवानी की। मुख्य सचिव उषा शर्मा और डीजीपी उमेश मिश्रा पहुंचे खाटू धाम और खाटू श्याम मंदिर में पूजा अर्चना की। शांतिपूर्ण मतदान प्रदेश में हुआ इसके लिए पूजा अर्चना करने पहुंचे मुख्य सचिव उषा शर्मा और डीजीपी उमेश मिश्रा। बड़ी खबर, हमारे सहयोगी विकास सोनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, मुख्य सचिव उषा शर्मा पहुंची खाटू धाम और दर्शन किए और उनके इस दर्शन को जोड़ा जा रहा है कि शांतिपूर्ण मतदान हुआ तो भगवान के दर पर जाकर माथा टेकने पहुंची उषा शर्मा और डीजीपी उमेश मिश्रा। नंदनी, मैं आपको बता दूं कि जैसे राजस्थान विधानसभा के चुनाव कल संपन्न हुए उसके बाद में आज देव दर्शन को निकले हैं डीजीपी मिश्रा और सीएस उषा शर्मा ने। पहले सालासर बालाजी के दर्शन किए, उसके बाद खाटू श्याम जी पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किए और श्याम बाबा का आभार व्यक्त किया। श्याम बाबा से जो आप मनोकामना की थी कि शांतिपूर्ण चुनाव हो जाए और शांतिपूर्ण मतदान होने के बाद बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई। जी बिल्कुल, तो अब ये हाजिरी इसीलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि देखिए प्रदेश में सब कुछ पीसफुल रहा। प्रदेश में जो छुटपुट घटनाएं हुई, ठीक है, उसका दारोमदार जो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जवान थे उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया। शुक्रिया विकास तमाम जानकारियों के लिए। तो ये जो तस्वीरें हैं खाटू श्याम बाबा के धाम की तस्वीरें हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा और डीजीपी उमेश मिश्रा खाटू धाम पहुंचे और माथा टेक कर भगवान का शुक्रिया अदा किया क्योंकि राजस्थान में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है।